हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप किस तरीके से प्लास्टिक की चीजों पर से, कांच की चीजों पर से और नॉनस्टिक की चीजों पर से और स्टील के बर्तनों पर से स्टिकर कैसे हटा सकते हैं। जब भी हम मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं कोई भी बर्तन या नॉनस्टिक वेयर्स या ग्लास की चीजें, सभी पर बहुत स्टिकर्स लगे रहते हैं और उनको हटाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। आप चाहे पानी से वॉश करें या आप उसको हाथों से स्क्रैच भी करें तो हटते नहीं है और उन पर दाग धब्बे लग जाते हैं, स्पेशली नॉनस्टिक पर। और कांच की चीजों पर से आप कैसे हटाएं, ये भी बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से सभी प्लास्टिक के या कांच के या स्टील के बर्तनों पर से आप स्टिकर हटा सकते हैं, वो भी चुटकियों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक। जब भी हम कोई भी प्लास्टिक के खरीदते हैं बर्तन या कोई भी चीज आप प्लास्टिक की खरीदते हैं और इस टाइप के उस पर स्टिकर्स लगे होते हैं, अब मैं इनको अगर नाखून से भी करूंगी तो ये एक हद तक ही हम इसको रिमूव कर पाएंगे, ये पूरी तरीके से हट नहीं पाएगा। तो अब इसको कैसे हम हटाएं, इसका मैं तरीका आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन। कोई भी नेल पॉलिश रिमूवर जो कि आपके घर में बहुत आसानी से सभी के घर में मिल जाता है, वो आप ले लीजिए और थोड़ा सा रुई पर आप इस तरीके से रिमूवर को ले लें, नेल पॉलिश रिमूवर को, और स्टिकर पे इस तरीके से लगा दें। 10 मिनट के लिए आपको इस तरीके से लगा करके इसको छोड़ना होगा। थोड़ा सा रब कीजिए। इस तरीके से बहुत ही आसानी से स्टिकर रिमूव हो जाता है। आप नेल पॉलिश रिमूवर की जगह पर थिनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी पेंट शॉप पे आपको थिनर मिल जाएगा, आप थिनर से भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको एक टिप है, आप जब भी थिनर का इस्तेमाल करें या नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल करें, पहले थोड़े पोर्शन में लगा के देखिए कि वो उस पर वर्क कर रहा है, उससे कहीं प्लास्टिक खराब तो नहीं हो रही, उसके बाद ही आप उसको पूरे पे अप्लाई करें। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं तो अब इसको हम देख लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से पूरा निकल रहा है। ये देखिए, इसको आप चाहे तो किसी भी कपड़े से भी हटा सकते हैं थोड़ी देर बाद, या आप हाथ से भी हटा सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल गल जाता है और बिल्कुल आसानी से ये निकलने लगता है। तो इस तरीके से अब इसको मैं रगड़ देती हूँ एक कपड़े से, तो ये पूरा हट जाएगा। ये देखिए, और इसमें अब जो एडहेसिव इसका लगा रह जाएगा, यानी ये जो हल्की सी चिपकन इसमें रह जाती है, इसका भी बहुत आसान तरीका है हटाने का। मैं बताती हूँ अब आपको क्या करना है। और ये देखिए, आपका पूरा साफ हो गया स्टिकर, नेल पॉलिश रिमूवर से बहुत ही आसानी से हट जाता है। ये देखिए, इसको भी इसी तरह से क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए, और ये हो गया बिल्कुल साफ। इसी तरीके से मैंने एक और पे लगाया था, मैं वो भी बता हटा के दिखाती हूँ आपको। चाहे तो पहले हाथ से हटा लें या आप डायरेक्ट टॉवल से या किसी भी माइक्रोफाइबर कपड़े से या किसी भी कपड़े से आप इसको हटा सकते हैं इस तरीके से, और उसके ऊपर ये रगड़ दें। तो ये देखिए कितनी जल्दी आसानी से बगैर किसी मेहनत के या स्क्रैचेस के ये क्लीन हो गया। ये देखिए, क्योंकि अगर हम इसको भी नेल से क्लीन करते तो ये हो ही नहीं पाता, लेकिन नेल पॉलिश रिमूवर की वजह से कुछ ही मिनट्स में इस पे से सारा स्टिकर हट गया। और अब हम क्या करें, जैसे ये स्टेप पे आप देख रहे हैं कि अभी भी हल्का सा ये स्टिकी हो रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, आप लें कोई भी वेजिटेबल ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल और कपड़े पर हम थोड़ा सा डालेंगे इस तरीके से और इसको हम इसके ऊपर रगड़ देंगे, तो जितनी भी चिपकन इसमें थी वो सारी इस पर आ जाएगी कपड़े पर और प्लेट बिल्कुल चिकनी हो जाएगी। ये देखिए, अब इसमें कुछ नहीं है, सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। इसी तरीके से इसको भी कर देते हैं क्लीन।
ये देखिए अब कोई इसमें चिपकन नहीं है और अब सूखी तरफ से इसको पोंछ देते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लीन हो गई। इसी तरीके से ये देखिए बिल्कुल क्लीन। इसको भी मैं कर देती हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है स्टिकर प्लास्टिक पर से हटाने का। अगर ज्यादा टफ वाला लगा हुआ है स्टिकर तो थोड़ी देर आप नेल पॉलिश रिमूवर लगा करके छोड़ दें उसको 15-20 मिनट के लिए, तो भी वो जल्दी से हट जाएगा। ये देखिए तो बिल्कुल चिकना हो गया। तो ये है तरीका प्लास्टिक पर से स्टिकर्स हटाने का। और नेल पॉलिश रिमूवर सभी के घर में हमेशा रहता ही है, तो आप आसानी से उससे हटा सकते हैं। और अगर आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर नहीं है तो आप थिनर का इस्तेमाल करें। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ जिससे कि आप प्लास्टिक पर से या प्लास्टिक के किसी भी सामान पर से इजीली स्टिकर को हटा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया अगर हम हाथ से करेंगे तो ये कभी नहीं हटेगा। तो एक तरीका है नेल पॉलिश रिमूवर, दूसरा तरीका है हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर भी लगभग सभी के पास होता है, तो आप क्या करें हेयर ड्रायर से आप इसको आसानी से हटा सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है पर ये आसानी से हट जाता है। लेकिन हेयर ड्रायर को ज्यादा हॉट पे नहीं चलाना है, सिर्फ वार्म पे चलाएं। इससे क्या हुआ कि जो इसके अंदर चिपकन थी, एडहेसिव था, वो पूरा मेल्ट हो गया और अब हम आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये भी अच्छा तरीका है स्टिकर हटाने का। अगर आपके पास हेयर ड्रायर घर में है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए और ये हो गया, ये देखिए बिल्कुल मैंने हटा दिया है, आप देख सकते हैं 2 मिनट में ये हट गया। तो बस अब इसकी ये जो चिपकन है ये हटाने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2 बूंद इस पर ऑयल डालिए और आप इसको कपड़े से रगड़ दीजिए। ये देखिए और ये बिल्कुल हो जाएगा साफ। और ये देखिए ऑयल से जो बिल्कुल चिपकन थी वो बिल्कुल हट गई। ये देखिए और अब आप सूखी तरफ से इसको पोंछ दीजिए। ये प्लेट हो गई आपकी क्लीन। तो अब जो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रही हूँ वो है ग्लासवेयर, यानी कांच की चीजों पर से आप स्टिकर कैसे हटाएं। तो उसके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है। बिल्कुल सेम नेल पॉलिश रिमूवर लीजिए या आप थिनर ले लीजिए, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर लेंगे, एक कॉटन पे या किसी भी कपड़े पर आप थोड़ा सा डालिए इस तरीके से और स्टिकर के ऊपर रगड़ दीजिए इस तरीके से। कुछ मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ते हैं और उसके बाद हम रिमूव करेंगे। लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं तो चलिए इसको भी हटा देते हैं। तो सबसे पहले हमें वही करना होगा, एक टॉवल या किसी भी चीज से या आप नाखून से धीरे धीरे इसको हटा सकते हैं। जैसे ये है, ये देखिए हटना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे इसको हटाते जाएं। ये देखिए कितनी आसानी से ये हट रहा है। और उसके बाद आप चाहें तो इस पर टॉवल रगड़ के या कोई भी कपड़ा रगड़ के इसको क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए कितनी इजीली ये हट जाता है। ये देखिए ये हो गया क्लीन। और अब ये जो इसकी चिपकन है उसको हटाने का भी बहुत अच्छा तरीका है। कांच के कप या कांच के कोई भी ग्लासवेयर हो, आप वहां पर ये चिपकन हटाने के लिए सिरका ले लें, वाइट विनेगर, उसको कपड़े पर लगाएं और इसको ऐसे रगड़ दें। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से ये जितनी भी इसकी चिपकन होती है स्टिकर की सब हट जाती है। कप पूरा क्लीन। एक बार इसको आप पानी से वॉश करके रख सकते हैं।
ये देखिए एकदम क्लीन और स्मूथ और चिकना एकदम बढ़िया हो गया ये। और इसमें से सारा स्टिकर और उसकी जो चिपकन थी वो भी दूर हो गई विनेगर से। इसी तरीके से इसको भी साफ कर लेते हैं। ये तो बहुत ही जल्दी निकल गया, ये देखिए कितनी आसानी से। और थोड़े से विनेगर लेके इसको भी क्लीन कर लेते हैं। और ये देखिए ये भी पूरा स्मूथ हो गया। तो ग्लास पर से भी आप बहुत ही आसानी से सारे स्टिकर्स हटा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ वुड का। वुड का स्टिकर हटाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उससे भी बहुत आसानी से आप स्टिकर हटा सकते हैं। जैसे ये एक डेकोरेशन आइटम है, इस पर देखिए इतना बड़ा ये स्टिकर लगा हुआ है। तो अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये आप कोई भी कुकिंग ऑयल या ऑलिव ऑयल लगा करके आप ओवरनाइट इसे ऐसे ही छोड़ दें, रात भर इस पर ऑयल लगा रहने दें, तो मॉर्निंग में बहुत आसानी से आप इसको हटा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर का है, तो इस पर भी हम नेल पॉलिश रिमूवर लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और लगभग 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए कुछ मिनट हो गए हैं, तो इसको भी साफ करके देखते हैं, इससे भी हट जाना चाहिए। लेट्स चेक। और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये कपड़े से मैं बस सिर्फ रब कर रही हूं हल्का हल्का और ये सारा हट गया। आप देख सकते हैं काफी हार्ड स्टिकर था और बहुत ही आसानी से 5 मिनट मैंने छोड़ा और ये पूरा साफ हो गया। तो देखा आपने कि नेल पॉलिश रिमूवर कितने काम की चीज है। ये देखिए ये हो गया पूरा क्लीन। अब इस पे हम जरा सा डालते हैं ऑयल एक बूंद और इसको भी कपड़े से रब कर देते हैं, जिससे कि इसमें भी जितनी भी चिपकन होगी वो भी हट जाएगी और शाइनिंग भी आ जाएगी। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है और एकदम क्लीन, अब इसमें कुछ भी नहीं है। और इसी तरीके से आप भी अपने किसी भी वुडन चीजों पर से आप आसानी से हटा सकते हैं। कि किस तरीके से आप नए पेन, जैसे आप बाजार से खरीद कर लाते हैं और उस पर स्टिकर्स लगे हुए होते हैं, तो इन स्टिकर्स को हम किस तरीके से आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये इतनी आसानी से हटते नहीं है। हम कितना भी इनको स्क्रैच कर लें और ये हटते नहीं है, और स्टिकर लगे बर्तन में हम खाना भी नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। जैसे ये मैंने नया मार्केट से पेन खरीदा है अवन पेन, अब मैं अगर इसको नाखून से इस तरीके से हटाऊंगी, एक तो ये हट भी नहीं रहा और इस पे स्क्रैच आ सकते हैं नॉनस्टिक पे। तो हमें सबसे अच्छा तरीका नॉनस्टिक पेन पे से स्टिकर हटाने का ये है कि हम इसको हल्का गर्म करेंगे। इस तरीके से हम रख देते हैं, बस थोड़ी देर में ये स्टिकर हटने लगेगा। आप देख सकते हैं गैस ऑफ कर देते हैं और ये देखिए कितनी आसानी से पूरा स्टिकर निकल गया। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने मुश्किल से आधा मिनट बस इसको रखा है और पूरा स्टिकर सारा ये निकल कर आ गया। और आप देख सकते हैं पैन गर्म है, पूरा ये क्लीन हो चुका है। अब अगर इस पर थोड़ा बहुत भी एडहेसिव रह जाता है, थोड़ा भी स्टिकी ये है, तो अब इसको क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पेपर टॉवल लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। पेपर टॉवल पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल, और इस तरीके से हम इसका स्टिकी जो इसमें चिपकन होगी ग्रू की एडहेसिव की, वो हम क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से। और ये अब पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, आप इसको पानी से साफ करके रख सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं अब इसके अंदर कोई भी ग्लू भी नहीं है और स्टिकर भी आसानी से हट गया। इसी तरीके से हम इस पेन का भी निकाल लेते हैं, गैस ऑन करेंगे और कुछ सेकेंड्स के लिए इसको रखेंगे। ये देखिए देखिए कितनी आसानी से पूरा स्टिकर निकल कर आ गया है, बस सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। इसी तरीके से स्टील के बर्तन पर भी काफी सारे स्टिकर्स लगे रहते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और इसको भी हम बिल्कुल नहीं हटा सकते। देखिए मैं इसको अगर नाखून से भी करूंगी तो आसानी से ये हटेगा नहीं, तो इसके लिए भी हम यही टेक्निक अपनाएंगे। थोड़ी देर के लिए गैस पर रखेंगे और बस कुछ ही सेकंड हुए हैं और आप ये देखिए ये किस तरीके से निकल कर पूरा आ गया है, कितनी आसानी से। अभी जो साइड वाला स्टिकर आप देख रहे हैं,
इसको आप या तो कैंडल के थ्रू या फिर इसी पर हम इस तरीके से थोड़ी देर के लिए रखते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम गैस पर उल्टा रख देते हैं और इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं साइड को। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और संभल कर, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होगा, इसको हम हटाएंगे। ये देखिए अभी थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैं इसको धीरे धीरे हटा देती हूँ। ये देखिए पूरा स्टिकर निकल गया कितनी आसानी से। तो अगर गैस पर ये सेटिंग नहीं बैठ रही है तो आप एक कैंडल जला करके उससे भी इसको निकाल सकते हैं। और हम यहाँ पर भी वही मेथड करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे किचन टॉवल पर या किसी भी पेपर पर या किसी भी टॉवल पर और इसको लगा करके क्लीन कर देंगे। एकदम क्लीन हो चुका है, हमने इसको एक ऑयल वाले पेपर से रगड़ दी और इसका स्टिकी बिल्कुल ही खत्म हो गया। अंदर भी इसी से क्लीन कर देते हैं तो अंदर का भी पूरा क्लीन हो जाएगा। और अब बस आप इसको वॉश करके रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत पसंद आई होंगी और आपको ये जितनी भी प्रॉब्लम थी स्टिकर को हटाने से रिलेटेड, चाहे वो ग्लासवेयर का हो, वुडन का हो, नॉनस्टिक का हो, स्टील के बर्तन का या किसी भी प्लास्टिक का, सभी को आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में अब हटा सकते हैं। तो इसी तरीके के बढ़िया वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।